हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटनाचक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने 2 मिनट करंट न्यूज सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश अमेरिका को हथियार सप्लाई करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। वो कौन सा हथियार है जो उत्तर प्रदेश सप्लाई करेगा अमेरिका को, जिसका ऑर्डर मिला हुआ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्यों डिमांड में है वेबले 455 वेबले 455 जो है, ये हथियार क्यों डिमांड में है अमेरिका में, इस हथियार के लिए हथियार की अमेरिका में डिमांड है और उत्तर प्रदेश इस हथियार का निर्माण करेगा, साथ ही साथ अमेरिका में ये हथियार सप्लाई किए जाएंगे, इस वजह से ये हथियार चर्चा में है। 1.1 किलोग्राम इसका वजन, 11.25 इंच कुल लंबाई इसकी है, 6 इंच बैरल की लंबाई है। आगे बात करें तो 20 से 30 राउंड प्रति मिनट ये फायर कर सकती है और 46 मीटर इसकी इफेक्टिंग फायरिंग रेंज है, जो वेबले 455 गन है उसकी। ठीक है, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश अब अमेरिका को हथियारों की सप्लाई करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। ठीक है, हथियारों की सप्लाई करने वाला यूपी पहला राज्य बनने जा रहा है जो अमेरिका को हथियार बेचेगा। यहां 100 साल बाद फिर से वेबले 455 का निर्माण होगा। इसके लिए भारत में वेबले बनाने के लिए सयाल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया। किसके साथ? सयाल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड के साथ वेबले 455 बनाने के लिए अमेरिका के द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। पहले इसका निर्माण ब्रिटेन में किया जाता, जो वेबले 455 है उसका निर्माण पहले ब्रिटेन में किया जाता था। यह हथियार एंटीक रिवाल्वर की कैटेगरी में आता है। किस रिवाल्वर कैटेगरी में? एंटीक रिवाल्वर कैटेगरी जो होती है उसमें यह हथियार आता है। पिछले दिनों ही अमेरिका ने इसके 10,000 पीक का ऑर्डर दिया था। ठीक है, अमेरिका के अलावा ब्राजील और यूरोपीय देशों में इसकी भारी मांग है। 1 मिनट के अंदर 20 से 30 राउंड फायर होने वाली जो गन है उसकी भारी डिमांड, जो ब्रिटेन, ब्राजील, अमेरिका जैसे देश है उनमें इनकी भारी मांग है। आगे देखें, भारत में बैन है यह हथियार। देखिए सबसे खास बात क्या है, वेबले 455 जो है जिसका निर्माण भारत में होने जा रहा है और भारत जो उत्तर प्रदेश जो है वो अमेरिका को सप्लाई करने जा रहा है, यह हथियार भारत में बैन है। वेबले रिवाल्वर 100 साल से भी अधिक पुरानी है। माना जाता है कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वह यूरोप से अपने साथ यहां लेकर आए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद में क्या होता है कि यह हथियार जो है, ठीक है, तो हथियार अपने जब हथियार का आविष्कार हुआ और उसके बाद यह हथियार अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाई गई, यह हथियार भारत में बैन है। वेबले स्कॉट इंडिया के निदेशक मनिंदर सयाल ने बताया कि भारत में 455 बोर की रिवाल्वर प्रतिबंधित है, लेकिन अमेरिका में वेबले 455 की भारी मांग है। मतलब भारत में 455 बोर की जो रिवाल्वर है वो प्रतिबंधित है। ठीक है, इसे देखते हुए यूपी में पहली बार अमेरिका के करीब 10,000 वेबले 455 की निर्यात किया जाएगा। ठीक है, भारत में बैन होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण किया जाएगा और अमेरिका में इसका निर्यात किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए लाइसेंस भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। वही हम बात करें क्या है इस हथियार का इतिहास, ये जो हथियार है वेबले 455 इसका इतिहास क्या है, तो ब्रिटिश राज में इस हथियार का निर्माण 1887 में शुरू हुआ था। 1887 में ब्रिटिश राज में इस हथियार का निर्माण स्टार्ट हुआ था। पहली बार इसे ग्लोबल कंपनी वेबले ने बाजार में उतारा था। पहली बार किसके द्वारा बनाया गया था? तो वेबले के द्वारा बनाया गया था। 1924 तक इसका निर्माण होता रहा, इसके बाद इसका निर्माण बंद कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध में इसका बहुत ज्यादा, बहुत विस्तृत तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया था। वही बात करें, अब यह एक बार फिर भारत में वेबले ने सयाल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता कर इसको बनाया जाएगा। कंपनी के निदेशक मनिंदर सयाल का कहना है कि वेबले ने यूपी को अपना मुख्यालय बनाया। जो वेबले है उसने उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यालय बनाया है। वेबले का मुख्यालय कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। इसके निर्माण के साथ ही अमेरिका का बाजार भी अब भारत के लिए खुल गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है वो वेबले 455 का बहुत ही व्यापक रूप से उत्पादन भी कर सकता है और निर्यात भी करेगा। क्या है इसकी खासियत, जो ये हथियार है वेबले 455, इसकी खासियत क्या है? तो भारत में जब इस रिवाल्वर का निर्माण शुरू किया गया तो 1924 तक इसे 1.2 लाख से अधिक पीस बनाए गए, मतलब लगभग 1 लाख
25,000 पीस बनाए गए थे जब इसका निर्माण स्टार्ट किया गया था भारत में। इसका इस्तेमाल 1963 तक जारी रहा भारत में। 1.1 किलोग्राम के इस रिवॉल्वर की लंबाई जो है वो 11.25 इंच है। इसके बैरल की लंबाई कितनी है, बैरल की लंबाई, ठीक है, जो आगे की नाल होती है उसकी लंबाई कितनी है बैरल की, तो 6 इंच बैरल की लंबाई है। इससे एक मिनट में 20 से 30 राउंड फायर किए जा सकते हैं। और इसकी इफेक्टिव रेंज कितनी है, तो 46 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। इस रिवॉल्वर का इस्तेमाल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में किया जा चुका है, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध में व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा वियतनाम, कोरिया, इंडोनेशिया से लेकर भारत चीन युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। जो वियतनाम युद्ध था, कोरियन वार था, उसके साथ साथ जो भारत इंडो चाइना वार था उसमें भी इस हथियार का वेबले 455 जो 455 बोर की बंदूक है इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा चुका है। तो इस वजह से वेबले 455 बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में आपके लिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस बंदूक का निर्यात अमेरिका को करेगा, तो वेबले 455 जो 455 बोर की बंदूक है वेबले 455 उसका निर्यात उत्तर प्रदेश के द्वारा अमेरिका को किया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 4 सितंबर, 28 फरवरी, 23 अगस्त या 7 जुलाई, किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, इसको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।